तो ये हो रहा है और ये विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम किया है अपने काम से, अपनी जुबान से और अपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने से। सर्वे से भी इस बात का खुलासा होता है और जमीनी स्तर पर भी कहीं ना कहीं। तभी तो मोदी की गारंटी इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा था ना शुरुआत में, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा देश का में आज देश के मुद्दे की बात करेंगे। जी हाँ, और देश में मुद्दा बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व 2024 की सुबगाहट बेहद तेज हो चुकी है, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में दौरा कर रहे हैं और वहां पर करोड़ों की सौगात उन राज्यों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दौरे पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि चुनाव से पहले हर राज्य को साधने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए 2014 के बाद से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, यानी कि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा में लोग पसंद भी करते आ रहे हैं, उस चेहरे को लोग पसंद करते हैं। भले ही लोग बीजेपी को ना पसंद करते हो, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। सर्वे से भी इस बात का खुलासा होता है और जमीनी स्तर पर भी कहीं ना कहीं। तभी तो मोदी की गारंटी इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा था ना शुरुआत में जब मोदी जी आए थे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही आएगा, हर घर मोदी, घर घर मोदी, तमाम ऐसे नारे लगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे थे उस चेहरे पर। और अब वो विश्वास जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया है और लोग और ज्यादा उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे देश की गति को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, देश को और ज्यादा विकसित करने पर जोर देंगे। और जो संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारत जो है विकसित हो जाएगा, उस ओर और अग्रसर होंगे। और इन 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, जिन परियोजनाओं का, वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता विश्वास कर रही है। विधानसभा के नतीजे कुछ भी हो, राज्यसभा के नतीजे कुछ भी हो, एमसीडी के कुछ भी नतीजे हों, या लोकल चुनाव जो भी होता है उसके नतीजे कुछ भी हों, लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि विधानसभा लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर विधानसभा में लोगों ने एक पार्टी को चुना है तो वो सोचते हैं कि लोकसभा में भी इसी पार्टी को चुन लेते हैं ताकि विकास बेहतर तरीके से हो। लेकिन अगर इस टाइम पर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो लोकसभा में वहां से सांसद जो है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो रहा है और ये विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम किया है अपने काम से, अपनी जुबान से और अपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने से। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो कहाँ है, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो कहाँ है। लेकिन इन सब को अगर अलग हटा दें और देश की छवि के बारे में हम देखें तो बहुत अलग और ज़्यादा मजबूत हम बने हैं वैश्विक पटल पर, वैश्विक स्तर पर। 370, 3 तलाक, महिला आरक्षण, बहुत सारी चीजें हैं जो वादा किया वो करके दिखाया। आतंकवाद पर गहरा प्रहार जरूरी है बहुत, चंद्रयान, गगनयान, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गौरव हर भारतीय महसूस करता है इन सब चीजों को सोचकर। तो इन सब का ताना बाना बुना जा रहा है, क्योंकि 400 पार अपनी नैया लगानी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि इस बार जो कांग्रेस है वो अकेले नहीं है, कांग्रेस के साथ कुछ घटक दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सब कुछ अगर ठीक रहा तो 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 17 मार्च तक हो सकती है, यानी कि कुछ समय बाद परिणाम की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, ये कहा जा सकता है।
भारत में संविधान लागू होने के बाद से अब तक लोकसभा और विधानसभा में करीब 400 चुनाव कराए गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब भारत में करीब 100 करोड़ वोटर्स एक साथ अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। अभी तो उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं, आगे क्या होगा तो जल्द पता चल जाएगा। चुनाव किस चरण में और कब कराए जाएंगे ये फैसला निर्वाचन आयोग करता है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, भारत के संविधान के तहत ही यहाँ पर कानून चलता है। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है। निर्वाचन आयोग को इसलिए चुनाव आयोग भी कहा जाता है। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हमारे नए वोटर्स होंगे जो ये सोचते हैं कि हम तो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि भारत में पहला चुनाव हुआ कब था। 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार स्वतंत्र भारत में चुनाव कराया गया था। ये चुनाव राज्य और केंद्र की सत्ता चुनने के लिए कराया गया था। चुनाव 4 महीने में पूरी तरह से संपन्न हो पाया। उस वक्त सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पहले चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच था। कम्युनिस्टों ने विदेश नीति और तेल समझौते को मुख्य मुद्दा बनाया था, हालांकि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। दूसरा मुद्दा कौन सा था? चुनाव कौन लड़ सकता है, वोटर्स का क्या अधिकार है? आपका अधिकार जरूरी है आपको जानना। भारत में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें जरूर जोड़ी गई हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 18 साल और उससे अधिक उम्र के भारतवासी मतदान करने के लिए योग्य हैं। 1989 से अधिकार 21 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को ही प्राप्त था। शर्तों की बात करें तो भारत में जेल में बंद कैदी को मतदान का अधिकार नहीं है। वहीं वोटर्स लिस्ट में नाम न होने वाले व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकते। बात चुनाव लड़ने की करें तो 25 साल से अधिक उम्र के भारतीय चुनाव लड़ने के योग्य माने गए हैं। हालांकि चुनाव लड़ने वाला अगर किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा पा चुका है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। वोट देना हर नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है? लोकतंत्र की नींव उसके नागरिकों पर ही टिकी होती है। मताधिकार ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर वोटिंग सिस्टम खत्म हो जाए तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हर चुनाव में वोट क्यों डालना चाहिए, इसके 4 पॉइंट समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर 5 साल पर बिना किसी तामझाम के आपको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। आपका मत आपके और आपके आसपास के इलाकों के मुद्दों को तय करता है। मतदान में जो पैसा खर्च होता है उसका कुछ हिस्सा आपको भी होता है उसमें, इसलिए वोट करना ज़रूरी है। आपके मत से सत्ता जवाबदेह होती है। अगर उसे पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति समुदाय वोट नहीं करता तो उसके प्रति गैर जिम्मेदार हो जाता है। भारत में कैसे तय होता है चुनाव की तारीख, बहुत बड़ा सवाल है। भारत में चुनाव की तारीख कैसे तय हो जाती है, चलिए वो भी समझा देते हैं। आयोग सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल देखता है कि ये कब खत्म हो रहा है, फिर उसमें लगने वाले संसाधनों का आंकलन करता है और ये देखता है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव कराना कितना आसान है। इसके बाद तारीख तय करने के लिए 6 फैक्टर्स को देखा जाता है। ये फैक्टर है मौसम की स्थिति, कृषि चक्र, स्कूल परीक्षा, धार्मिक और सामाजिक त्यौहार और कानून और व्यवस्था। मतदान कहाँ और कैसे होगा कौन फाइनल करता है? मतदान की जगह और समय तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में मतदान केंद्र को लेकर प्रावधान तय किए गए हैं। इसी प्रावधान के मुताबिक आयोग फैसला करता है। नियम के मुताबिक मतदान केंद्र किसी सरकारी कार्यालय या स्कूल में ही बनाया जा सकता है। आयोग के ऑब्जर्वर्स और स्थानीय अधिकारी इसे चिन्हित करते हैं। चुनाव आयोग भी आबादी में बदलाव होने पर समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी करता है। कितने लोगों पर एक मतदान केंद्र होगा उसको लेकर भी नियम है। 2020 में बने नियमों के अनुसार 1500 से ज़्यादा मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा और व्यवस्था बनाई कि किसी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर मत डाले ना जाना पड़े, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। आदर्श आचार संहिता नियम क्या है, क्योंकि बहुत जल्द लागू हो जाएगी इसलिए जान लीजिए। ये चुनावी दिशा निर्देश है जिसका 1960 में पहली बार केरल चुनाव के दौरान उपयोग किया गया था। आदर्श आचार संहिता का पालन चुनाव आयोग कराती है। आयोग इसके तहत सख्त से सख्त फैसला लेने के लिए अधिकृत है। आदर्श आचार संहिता की वजह से कोई भी अदालत या एजेंसी चुनाव के बीच आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस दौरान आयोग के मुखिया सबसे पावरफुल होते हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत की राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार कैंपेन और अन्य काम कर सकते हैं। इसे लागू करने का मकसद साफ सुथरी निष्पक्ष चुनाव कराना है। आदर्श आचार संहिता को 8 विभागों में विभाजित किया गया है। इसके पहले भाग में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के आचरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। कैंडिडेट चयन और सिंबल आवंटन कैसे होता है,
चुनाव में उम्मीदवार दो तरह के होते हैं, पहला दलीय उम्मीदवार और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार। मान्यता प्राप्त दल संबंधित सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं, इसे दलीय उम्मीदवार कहते हैं। जो उम्मीदवार किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को फॉर्म बी सौंपते हैं, जिसके आधार पर चुनाव आयोग दलीय उम्मीदवार को संबंधित पार्टी का सिंबल देता है। निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव आयोग को सिलेक्टेड सिंबल देते हैं, सिंबल देने का काम आयोग ही करती है। चुनाव एक से ज्यादा चरणों में क्यों कराया जाता है? निर्वाचन आयोग का मुख्य मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है। एक साथ चुनाव कराने के लिए आयोग को काफी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आयोग के पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए फेज वाइज चुनाव कराए जाते हैं। किसे देना है वोट, कैसे तय करते हैं भारतीय, सबसे बड़ा सवाल यही है। 2019 में CSDS ने एक पोस्ट पोल सर्वे किया, इसके मुताबिक 35% लोगों ने कहा कि चुनाव कैंपेन से पहले वे तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है। 11% लोगों ने उम्मीदवार की घोषणा के बाद फैसला करने की बात कही। 15% लोगों का कहना था कि मतदान के लिए ये तय करते हैं कि किसे वोट देना है। वहीं 17% लोगों ने कहा कि चुनावी कैंपेन देखकर वो फैसला कर लेते हैं कि इस प्रकार चुनाव में किसे मतदान करना है। 14% लोगों ने मतदान में से एक दो दिन पहले डिसाइड करने की बात कही। ये सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया था और इस सर्वे के आधार पर हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोग चुनते हैं, जो भारतीय हैं, कि हाँ किस आधार पर वोट करना है, दो दिन पहले या उम्मीदवार घोषित जब हो जाते हैं तब, या फिर कैंपेन से पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए, 400 पार का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जा रहे हैं, राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी योजनाओं की सौगात, परियोजनाओं की सौगात उन राज्यों को दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम जनता को तय करना है कि आखिर वो किसे वोट देना चाहती है। समय कम है, जल्दी चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग तो डिसाइड भी कर चुके होंगे कि हाँ हमें किस पार्टी के साथ जाना है। मुद्दा देश का में आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे और मुद्दा देश का में देश की बात रखेंगे, आपकी बात रखेंगे। धन्यवाद।